नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि पटना से बिहार के डीजीपी एसके सिंह दरभंगा पहुंचे हैं, उनके साथ एडीजे लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह भी। अब समझिए पूरा मामला क्या है। पूरे बिहार में पीएफआई के फैलने को लेकर के दरभंगा में सबसे ज्यादा पुलिस की निगाहें थी। दरभंगा से 3 पीएफआई के जो एजेंट थे उन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक पकड़ा गया था उत्तर प्रदेश से। इसके बाद से दरभंगा पुलिस को इस पर पूरी तरह निगाह रखने के लिए कार्य किया गया था। तो अंबेडकर सभागार में सबसे पहले अभी जो डीजीपी हैं उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर किया गया सर्किट हाउस में। इसके बाद अंबेडकर सभागार में सभी अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। लेकिन मूलतः अगर कई बात है तो ये है कि जो पीएफआई कनेक्शन जो दरभंगा से जुड़ा हुआ है उस पर वो बात करेंगे। तो इसमें दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के भी एसपी हैं और इस पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार डीजीपी इस मुद्दे को लेकर के या संबंधित मुद्दे को लेकर के दरभंगा पहुंचे हैं और वो सभी जो पुलिसकर्मी हैं पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दरभंगा पहुंचे बिहार के डीजीपी एसके सिंघल, किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दरभंगा काफ़ी दिनों के बाद बिहार के डीजीपी पहुंचे हैं। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और साथ में लॉ एंड ऑर्डर एडीजी संजय सिंह पहुंचे हैं। दोनों को दरभंगा सर्किट हाउस में पहले दरभंगा पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के एसपी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों दरभंगा और मधुबनी में पीएफआई की बढ़ती सक्रियता को देख हुए इस मुद्दे पर बात करने के लिए पटना से डीजीपी पहुंचे हैं। कुछ देर में अंबेडकर सभागार में बैठक होगी। इस बैठक में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समीक्षा बैठक करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि दरभंगा में पीएफआई कनेक्शन क्या है और कहां तक इस पर दरभंगा पुलिस काम कर पाई है। गौरतलब है कि उनके आने से पहले ही दरभंगा पुलिस पीएफआई के सक्रियता होने के साथ यहाँ पर पीएफआई के कुछ लोगों के नाम भी दर्ज कर चुकी है। इसके साथ ही कई लोगों को पूछताछ भी किया गया था। इस सभी रिपोर्ट को एडीजे और डीजीपी के पास रखा जाएगा। इसके बाद दरभंगा पुलिस कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों फुलवारी शरीफ से 26 पीएफआई एजेंट को जो गजवाए हिंद के नाम से चला रहे थे व्हाट्सएप चैट, उसके आधार पर दरभंगा से भी 3 की गिरफ्तारी की बात की गई थी। इसके बाद लगातार पुलिस छापेमारी की थी, अभी तक 2 की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके बाद डीजीपी आज इस संबंध में पहुंचकर दरभंगा के एसएसपी एवं तमाम पुलिस पदाधिकारियों से इस तरह गजवा हिंद के जो व्हाट्सएप चलाए गए थे इनमें जिन जिन जिलों में जिनके नाम हैं उन पर कार्रवाई करने